हाय गाइस, कल की मैच के बारे में बात करने वाला हूं और आपने टाइटल देख लिया ही होगा। एक दिन पहले मैं ये वीडियो डाल रहा हूं गाइस, तो मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी बीटन ऑस्ट्रेलिया इन टुमारोज़ गेम बाय अ वेरी गुड मार्जिन। और शायद कुछ कुदरत का निज़ाम ही ऑस्ट्रेलिया को मदद कर सकता है अगर वो जीती है। तो इसके अलावा मेरे को तो नहीं लगता कि किसी भी करिश्मा ऑस्ट्रेलिया को कल हमसे बचाने वाला है। और गाइस, रीज़न बहुत सिंपल है। इन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, हमारा टीम जो है सुप्रीम लग रहा है, सुप्रीम फॉर्म में है। और मेरे को तो लग रहा है कि वी आर लुकिंग डिफरेंट, होल डिफरेंट लेवल टीम लग रहे हैं हम, अलग ही लेवल का गेम खेल रहे हैं हम। और अनबीटेबल लग रहा है, एक फोर्स टू रेकन विद कहूँगा इस साल पर्टिकुलरली। और एंड अगर आपको याद है तो हमने बहुत सारे ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इवन इंग्लैंड में हमने जीते हुए हैं। तो अगर ओवरसीज में ही हमने इतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिया है, तो ऑफकोर्स इस साल का वर्ल्ड कप हमारे होम कंडीशंस में हो रहा है। तो अगर होम कंडीशंस की बात करें तो वी वुड बी अनबीटेबल, सच में लाइक वी आर लुकिंग सुप्रीम ऑलरेडी। तो कहने का मतलब है ओवरसीज में ही हमने इतना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाया है पर्टिकुलरली ओडीआई में। और इस बार हमारे पास एक फियरलेस कैप्टन है इन फॉर्म ऑफ रोहित शर्मा, हिटमैन। तो ऑफकोर्स वी आर लुकिंग अ कंप्लीट टीम, कंप्लीट पैकेज कह रहा हूँ। बैटिंग की अगर बात करें तो हिटमैन शुभमन गिल टॉप ऑर्डर में स्टेबिलिटी देते हैं, उसके बाद अगर वो दोनों फ्लॉप होते हैं तो वापस मिडिल ऑर्डर में किंग कोहली हो या श्रेयस अय्यर हो, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास जो कि मैच को सिंगल हैंडेडली टर्न कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है इन 9 मैचेस में। अगर आप देखेंगे तो इट वाज लाइक ओवरऑल वी क्लिक्ड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, सब कुछ, सब में हमने टॉप किया है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक डिपार्टमेंट में मैच जीता हुआ है, हर डिपार्टमेंट में हमने अच्छा किया है। और हमने कन्विंसिंगली सारे मुकाबलों में आउटशाइन किया है सभी अदर टीम के प्लेयरों को और टीमों को। ये साबित करता है कि हम अनबीटेबल लग रहे हैं। अगर कल की मैच की अगर बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है मेरे को, जैसे कि 2003 वाला टीम लोग कह रहे हैं ना लाइक हम बदला लेंगे करके, बट 2003 वाला टीम ऑस्ट्रेलिया नहीं लग रहा है। अगर 2003 वाला टीम भी अगर होता तो हमारे कंडीशंस में वो खेल नहीं पाते। ऑस्ट्रेलिया तब जीत सकता है अगर ऑस्ट्रेलिया को 15 प्लेयर दे दिए गए हों आईसीसी ने, उसके बाद हमारे पास हम सिर्फ 10 प्लेयर से खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग में 15 विकेट दे दें, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को अगर अच्छा स्कोर करना है तो हम उनको 75 ओवर्स दे दें, तो इन सारे कंफर्ट के बाद शायद ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। लेकिन इसके अलावा मेरे को तो नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया कभी हमें बीट करने के लिए क्लोजर भी आ सकता है मैच में, क्लोज मैच भी नहीं हो सकता ऐसे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने न्यूजीलैंड के बारे में भी, न्यूजीलैंड के मैच के पहले मैंने प्रेडिक्ट किया था कि हम क्लोज टू 400 मारेंगे करके, वैसे ही हुआ 396 या 97 हमने मारा। अगेन मैंने कहा कि लेकिन एक तो कहा कि हम 250 के अंदर न्यूजीलैंड को बंडल आउट कर देंगे ऐसे मैंने बोला, लेकिन वो तो नहीं हुआ, 320 क्लोज टू रन उन्होंने कर दिया फिर भी, बिकॉज वो एक ऑलमोस्ट एक बैटिंग विकेट था वानखेड़े का, शायद उस वजह से न्यूजीलैंड ने थोड़ा हद तक बैटिंग किया, वो भी कर्टेसी टू डैरिल मिचेल्स इनिंग्स। अगर वो नहीं खेलता तो टोटल न्यूजीलैंड की पारी जो है 200 के अंदर सिमट जाती। और मिचेल मार्श ने कुछ मजाक किया था रिसेंटली किया था या कुछ समय पहले किया था पता नहीं चल रहा मेरे को, उन्होंने कुछ कहा उस पॉडकास्ट में कि वर्ल्ड कप के फाइनल्स में अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया मीट करती है तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगा और सम 460 प्लस रन करेगा, उसके बाद जाके इंडिया को है वो 65 रन में बंडल आउट कर देंगे, ऑल आउट कर देंगे करके ऐसा कुछ मजाक किया उन्होंने। वो एक्चुअली सरकास्टिक था गाइस, आई मीन सरकाज़म था बेसिकली, उनका मतलब था कि वो रिवर्स अगर करके देखें तो हम अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो हम 465 पोस्ट करेंगे और बदले में ऑस्ट्रेलिया जो है 65 ऑल आउट हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। उनका मतलब ये नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया रियली ऐसा करेगा, तो उन्होंने सरकाज़म में कहा कि मैच हम ही जीत रहे हैं करके, लेकिन वो एक्चुअली मीन कर रहे थे कि मैच इंडिया जीतने वाली है और वो लोग ह्यूमिलिएट होने वाले हैं करके। तो सुनने में आ रहा है कि कल का विकेट जो है शायद स्लो विकेट हो सकता है, जैसे कि आई मीन वेरी सिमिलर टू वानखेड़े विकेट हो सकता है, लेकिन दो वानखेड़े वर्सेस स्लो विकेट, इट टर्न आउट टू बी गुड बैटिंग सर्फेस। तो शायद इस मैच में भी अगर विकेट स्लो है तो शायद अगर हम बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो मेरा प्रेडिक्शन है कि शायद हम 330 से 350 तक मारने में कामयाबी हो जाएंगे। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड चेस करती है अंडर लाइट्स, अगर ड्यू फैक्टर आता है इन पिक्चर तो ऑस्ट्रेलिया शायद चेस नहीं कर सकता, शायद वो 200 से 250 स्कोर के बीच ऑल आउट हो सकता है, या यू नेवर नो, अगर शामी उसी तरह के गेंदबाजी करते हैं जैसे कि उन्होंने प्रदर्शन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया था तो शायद कौन जाने ऑस्ट्रेलिया 100 रन के अंदर भी सिमट सकती है फाइनल का प्रेशर लेके। तो मैं यही कहूँगा कि हम कल तीसरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीत रहे हैं और ट्रॉफी को उठाने वाले हैं, और मैं अब सारे इंडियन प्लेयर्सों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा जीतने के पहले ही मैं कह रहा हूँ एडवांस्ड विशेस टू ऑल अवर इंडियन टीम प्लेयर्स ऑन विनिंग दिस ईयर्स वर्ल्ड कप, एंड हिटमैन हैज प्रूवन टू बी वन ऑफ द स्टूपेंडस कैप्टन्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड।